नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का YouTube चैनल में। दोस्तों, आज के सेशन में हम चर्चा करेंगे जिनसेंग के बारे में। जैसा कि स्क्रीन पर देख रहे हैं दोस्तों, जिनसेंग एक स्वास्थ्यवर्धक औषधीय गुणों से भरपूर पौधा है। ये ज़्यादातर एशियाई देशों जैसे चाइना हुआ, कोरिया हुआ में पाया जाता है। जिनसेंग मुख्यतः दो प्रकार का होता है, सफ़ेद और लाल। सफ़ेद जिनसेंग को धूप में तथा लाल जिनसेंग को भाप में पकाकर तैयार किया जाता है। 5 से 6 साल के बाद ही जिनसेंग के पौधे में औषधीय गुण आते हैं और इनका इस्तेमाल किया जाता है। तो दोस्तों, ये तो था परिचय। अब बात करेंगे हेल्थ बेनिफिट्स के बारे में। यह एक हर्ब है जिसका इस्तेमाल हजारों वर्षों से चिकित्सा पद्धति में किया जाता रहा है। इसके बहुत से बेनिफिट्स हैं। यदि बेनिफिट्स की बात करें तो जिनसेंग वेट लॉस में, स्ट्रेस और एनेक्सिटी में, स्किन केयर में, हेयर केयर में, डायबिटीज़ में इत्यादि इन सारे प्रॉब्लम्स में काफ़ी कारगर है। इसके अलावा वीक इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग करता है। जिनसेंग की चाय जो है काफ़ी फ़ायदेमंद होती है। ये पाउडर के फॉर्म में, कैप्सूल के फॉर्म में, बहुत सारे फॉर्म में ये पाया जाता है। जिनसेंग में एंटी एजिंग गुण पाए जाते हैं, जिसके चलते स्किन केयर प्रॉब्लम जो भी है स्किन से रिलेटेड, उन सारे प्रॉब्लम में ये काफ़ी कारगर है और उम्र का पता नहीं चलने देता है। इसके अलावा ओबेसिटी जो है, ओबेसिटी में भी काफ़ी कारगर है। हमारे शरीर के वजन को ये कम करता है। डायबिटीज़ में ये टाइप 2 के जो भी डायबिटीज़ के मरीज़ हैं उनके लिए काफ़ी कारगर है। खाना खाने से पहले इसको इस्तेमाल करने से ब्लड में शुगर की जो मात्रा है वो काफ़ी नॉर्मल रहती है। जिनसेंग एंटीवायरल, एंटीबैक्टीरियल गुणों से भरपूर है और मौसम के चेंज होने से जो भी हमको प्रॉब्लम होता है, जैसे सर्दी हुआ, जुकाम हुआ, बुखार हुआ, सर में दर्द इत्यादि जो भी प्रॉब्लम है, उन सारे प्रॉब्लम से हमको ये बचा कर रखता है। ये काफ़ी कारगर औषधि के रूप में ये इस्तेमाल होता है। यदि हम मानसिक तनाव से भी ग्रसित हैं तो उसमें भी जिनसेंग जो है वो काफ़ी कारगर है। इसके अलावा महिलाओं को पीरियड्स के दौरान जो भी दर्द होते हैं उन सारे में ये काफ़ी कारगर है। AWPL कंपनी में, एस्क्लेपियस बैलेंस प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में, ये कैप्सूल के फॉर्म में जिनसेंग का टेबलेट आ रहा है। तो दोस्तों, ये था जिनसेंग के बारे में। मिलते हैं अगले नए वीडियो में। धन्यवाद।